नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बता रही हूँ जिसके उपयोग से कैंसर रोग ठीक होता है। इस वृक्ष का नाम है लक्ष्मी तरु, इसे सिमरुबा भी कहते हैं। यह कैंसर के मरीज के लिए प्राकृतिक तरीके से कीमोथेरेपी का काम करता है। यह जानकारी हमें श्री श्री रविशंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है। इसके अलावा वैज्ञानिक शोध में भी यही बताया गया है कि इस वृक्ष में कैंसर को समाप्त करने वाले तत्व पाए जाते हैं। कैंसर चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो सेकंड स्टेज का ही हो, इसके तने, छाल और पत्ते कैंसर के इलाज में बहुत उपयोगी है। कैंसर के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एलोपैथिक में इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है, लेकिन प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया है। गंभीर रोगों से बचने के लिए हमें अनगिनत वनस्पति, जिनमें कई तो विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, लक्ष्मी तरु भी उन्हीं में से एक है और बेशुमार औषधीय गुणों से भरपूर है। इस वृक्ष के सभी अंग बहुत उपयोगी है। इसके फल से रस और मदिरा बनाई जाती है। इसके बीजों से खाद्य तेल निकाला जाता है। ये इतना उपयोगी है कि तेल निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वृक्ष के आसपास मच्छर और सांप जैसे जहरीले जीव जंतु भी नहीं आते। यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसके पत्ते जमीन पर झड़ने पर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए यह किसी भी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत उपयोगी है। कैंसर के अलावा भी यह बहुत से रोगों का उपचार करता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर, पेचिस, बुखार, आँखों के रोग, अंदरूनी कोई जख्म, फोड़ा, फुंसी, पाचन, एसिडिटी, कोलाइटिस, जोड़ों का दर्द, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, मासिक धर्म, सफ़ेद पानी और मलेरिया आदि में प्रयोग किया जाता है। भारत की जनजातियां इसके काढ़े से कई रोगों का उपचार करती है, लेकिन आम लोगों में अभी तक इसकी जानकारी बहुत ही कम है। वैसे तो यह वृक्ष मूल रूप से उत्तरी अमेरिका का पेड़ है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा मानव कल्याण के लिए इसे भारत में भी पौधारोपण किया गया है। यह पेड़ भटिंडा में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा लगाया गया है। यह पेड़ इतना उपजाऊ है कि इसे कहीं भी किसी भी प्रकार की जमीन में रोपा जा सकता है। यदि आपके पास भी खाली जमीन है, वहां इसे लगा सकते हैं। गमलों में भी इसे उगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान है। आप रोजाना 10 किलो वजन पर एक पत्ती के हिसाब से जितना आपका वजन है उतनी ही पत्तियां एक गिलास पानी में धीमी आंच पर उबालकर जब वह पौना गिलास रह जाए तब इसे ठंडा करके पी जाए। इसका रोजाना सेवन छोटे मोटे रोग तो दूर करता ही है, परंतु कैंसर जैसे रोग में चमत्कारित रूप से लाभ पहुंचाता है। इसलिए प्रकृति की इस अद्भुत और अनुपम भेंट का सेवन करके फायदा जरूर उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।